नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। आप में से बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने SBI लाइफ स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को ले रखा है, लेकिन उन्हें इस पॉलिसी से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इस पॉलिसी के तहत उन्हें बीच में क्या लाभ दिया जाएगा और जब उनका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि आप भी उनमें से एक हैं और आपने SBI लाइफ स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को ले रखा है तो मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी के की फीचर्स के बारे में और इस पॉलिसी के तहत आपको कब और कितना लाभ दिया जाता है इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट मनी बैक गोल्ड ऑप्शन का सबसे बड़ा की फीचर्स मनी बैक का होता है। इस पॉलिसी के तहत आपके पास तीन तरीके का मनी बैक ऑप्शन होता है, जिसमें आपको पॉलिसी टर्म के बीच बीच में नियमित समय अंतराल पर आपकी बीमा राशि का 15% रेगुलर पे आउट के तौर पर दिया जाता है। पहले ऑप्शन के तहत पॉलिसी टर्म 15 साल का होता है, दूसरे ऑप्शन के तहत पॉलिसी टर्म 20 साल का होता है और तीसरे ऑप्शन के तहत पॉलिसी टर्म 25 साल का होता है। यदि आप पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो प्रत्येक 3-3 साल के अंतराल पर आपको आपकी बीमा राशि का 15% रेगुलर पे आउट के रूप में दिया जाता है। यदि आप दूसरा ऑप्शन यानी कि पॉलिसी टर्म 20 साल का चुनाव करते हैं तो प्रत्येक 4-4 साल के अंतराल पर आपको आपकी बीमा राशि का 15% रेगुलर पे आउट के रूप में दिया जाता है। और यदि आप तीसरा ऑप्शन जो कि 25 साल का होता है चुनाव करते हैं तो प्रत्येक 5-5 साल के अंतराल पर आपको आपकी बीमा राशि का 15% रेगुलर पे आउट के रूप में दिया जाता है। रेगुलर पे आउट लगातार 4 बार दिया जाता है और जब 5वीं बार आपको पे आउट दिया जाता है तो उस समय आपको आपकी बीमा राशि का 50% प्लस में इस पर मिलने वाला वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस का भुगतान कर दिया जाता है। स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी में आपके पास प्रीमियम पेमेंट भुगतान करने का ऑप्शन होता है। यदि आप प्रीमियम का भुगतान सिंगल प्रीमियम के रूप में करना चाहते हैं तो आप सिंगल वाले ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और यदि आप प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक करना चाहते हैं तो आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि प्रीमियम का भुगतान आप पॉलिसी टर्म के अंत तक करें तो आप रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 3 मनी बैक ऑप्शन के तहत आपको लाभ किस तरीके से दिया जाता है। आप सभी के सामने स्क्रीन पर एक टेबल दिखाया गया है। इस टेबल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को लेते हैं तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के तहत किस तरीके से आपको रेगुलर पे आउट का लाभ दिया जाता है। यदि पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी लेते समय ऑप्शन 1 का चुनाव किया जाता है जिसमें हमारा पॉलिसी टर्म 15 साल का है तो जैसे ही पॉलिसी टर्म का 3 साल पूरा हो जाता है पॉलिसी होल्डर को पहला इनकम जो कि उसके बीमा राशि का 15% होता है रेगुलर पे आउट के रूप में दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि बीमा लेते समय पॉलिसी होल्डर द्वारा 10 लाख रुपए बीमा राशि का निर्धारण किया गया तो उस कंडीशन में 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए पॉलिसी टर्म के 3 साल पूरा होने पर पॉलिसी होल्डर को रेगुलर इनकम के रूप में भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही पॉलिसी टर्म का 6ठा साल पूरा होता है तो फिर से पॉलिसी होल्डर को 15% रेगुलर इनकम के रूप में दे दिया जाएगा। उसके बाद 9वें साल के अंत में और उसके बाद 12वें साल के अंत में इस तरीके से लगातार 4 बार पॉलिसी होल्डर को बीमा राशि का 15% रेगुलर इनकम के रूप में दे दिया जाता है। और जैसे ही पॉलिसी टर्म का 15वां साल पूरा होता है तो आखिरी और 5वां इंस्टॉलमेंट
उनकी बीमा राशि का 50% होता है। प्लस में इस 50% अमाउंट के साथ सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस में टर्मिनल बोनस का भी भुगतान कर दिया जाता है। यदि हम रेगुलर इनकम के रूप में दी गई टोटल राशि को ऐड करते हैं तो वो हमारे द्वारा लिए गए बीमा राशि का टोटल 110% हो जाता है। ऑप्शन दो के तहत पॉलिसी टर्म 20 साल का होता है, जिसमें प्रत्येक 4-4 साल के अंतराल पर पॉलिसी होल्डर को बीमा राशि का 15% रेगुलर इनकम के रूप में दिया जाता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 4th साल पूरा हो जाता है तो ऑप्शन टू के तहत बीमा राशि का 15% रेगुलर इनकम के रूप में दे दिया जाता है पॉलिसी टर्म के 8th साल के अंत में, और पॉलिसी टर्म के 12th साल के अंत में, 16th साल के अंत में 15% दिया जाता है। और जैसे ही पॉलिसी टर्म का 20th साल पूरा हो जाता है तो बीमा राशि का 50% पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। सेम इसी तरीके से ऑप्शन तीन में, जिसमें पॉलिसी टर्म 25 साल का है, जैसे ही पॉलिसी टर्म का 5th साल पूरा हो जाता है तो 15% रेगुलर इनकम के रूप में दे दिया जाता है। पॉलिसी टर्म के 10th साल के अंत में 15%, 15th साल के अंत में 15%, 20th साल के अंत में 15%, और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर यानी कि 25वें साल के अंत में बीमा राशि का 50% सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि यदि आपने स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को ले रखा है तो आपको किस तरीके से पॉलिसी टर्म के बीच में रेगुलर इनकम का और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका उम्र 35 साल है, उसने स्मार्ट मनी बैक गोल्ड ऑप्शन को प्लान ऑप्शन 2 के तहत ले रखा है, यानी कि पॉलिसी टर्म 20 साल का है और प्रीमियम का भुगतान रेगुलर करना है, यानी कि जितने साल तक का हमारा पॉलिसी है कंटिन्यू उतने साल तक पॉलिसी होल्डर द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। बीमा की राशि 10 लाख रुपये है, ईयरली प्रीमियम के रूप में 64,040 रुपये का भुगतान किया जाना है। यहाँ पर हमारा पॉलिसी टर्म 20 साल का है, यदि 20 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो 4 आता है। इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक 4-4 साल के अंतराल पर पॉलिसी होल्डर को बीमा राशि का जो कि 10 लाख रुपये है, इसका 15% लगातार 4 बार रेगुलर इनकम के रूप में दिया जाएगा, जो कि हमें इस फिगर के माध्यम से समझाया गया है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 4th साल पूरा हो जाता है, पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में पहला रेगुलर इनकम जो कि 1.5 लाख रुपए का होता है वह दे दिया जाता है। पॉलिसी टर्म का 8th साल पूरा होने के बाद 1.5 लाख रुपए, 12th साल पूरा होने के बाद 1.5 लाख रुपए, और 16th साल पूरा होने के बाद 1.5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 20वां साल पूरा हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में बीमा राशि का 50% जो कि 10 लाख का 5 लाख हो जाता है, और उस पर मिलने वाला वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस का भुगतान मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर को कर दिया जाता है। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में बताया गया है कि पॉलिसी टर्म के 20वें साल के अंत में यदि पॉलिसी होल्डर को वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस का भुगतान 4% के हिसाब से किया जाता है तो कुल 8,45,000 रुपये, और यदि 8% के हिसाब से किया जाता है तो 13,28,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ जो हमें कैलकुलेशन बताया गया है ये 20वें साल लास्ट सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर को दिया जाना है, लेकिन उससे पहले पॉलिसी होल्डर ने 1.5 लाख रुपए रेगुलर पे आउट के रूप में लगातार 4 बार जो कि 6 लाख रुपए होता है पहले ही प्राप्त कर चुका है, और अंत में उसे या तो 8,45,000 या फिर 13,28,000 या इन दोनों के बीच में जो भी राशि आती है उसका भुगतान कर दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।